हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के ऊपर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसके ऊपर अभी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बेसिकली जो ऑपरेशन से हमें पता है सिग्नल के ऊपर, हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो तीनों ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं डिस्क्रीट सिग्नल के केस में, x ऑफ n और यहाँ पर ये प्लस माइनस n नॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो प्लस साइन होती है वो हमें इंडिकेट करती है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि जो सिग्नल होता है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है। और यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? माइनस साइन हमें इंडिकेट करती है डिले। और डिले का मतलब क्या होता है कि जो सिग्नल होता है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है। यहाँ पर ये जो n नॉट होता है वो हमें इंडिकेट करता है, ये जो n नॉट होता है वो होता है कांस्टेंट। और सिग्नल का जो एडवांसमेंट और जो डिले होता है वो डिपेंड करता है कांस्टेंट के ऊपर। यहाँ पर ये जो n नॉट है वो हमें इंडिकेट करता है कांस्टेंट, और जो एडवांसमेंट और जो डिले वो डिपेंड करता है ये कांस्टेंट के ऊपर। मतलब हमें कितने से एडवांसमेंट करना और कितने से डिले करना है वो ये हमें n नॉट बताएगा। n नॉट की जगह 3 है, इसका मतलब हमें 3 से सिग्नल को एडवांस करना है या फिर डिले करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो n और ये जो n नॉट होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। n एंड n नॉट विल ऑलवेज रिमेन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। जो n और जो n नॉट होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 1.5, 2.5, 3.5, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक डिस्क्रीट सिग्नल को, हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। x ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सिग्नल्स की वैल्यू है। ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4, n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 5, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 6, n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 7, n इज इक्वल टू 4 पर सिग्नल की वैल्यू है 8, n इज इक्वल टू माइनस 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू माइनस 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू माइनस 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एन इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक्स ऑफ 0। एन इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक्स ऑफ 1। सिमिलरली एन इज इक्वल टू माइनस 1, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक्स ऑफ माइनस 1। इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन कंसिडर करेंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एन इज इक्वल टू 0 इसका मतलब एक्स ऑफ 0, एन इज इक्वल टू 1 जिसकी वैल्यू 5 है इसका मतलब एक्स ऑफ 1, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें ओरिजिन पर जो सिग्नल जो मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है 4 के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो हमने जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो कि टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, अब इसको हम लोग शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स ट्रेन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इम्पल्स ट्रेन। तो एन इज इक्वल टू 0 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 4, एन इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5, एन इज इक्वल टू 2 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 6, एन इज इक्वल टू 3 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 7, n इज इक्वल टू 4 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 8, n इज इक्वल टू माइनस 1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3, n इज इक्वल टू माइनस 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू माइनस 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू माइनस 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू माइनस 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू माइनस 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, n इज इक्वल टू माइनस 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इम्पल्स ट्रेन के हेल्प से शो किया हमने ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है x ऑफ n माइनस 3। n माइनस 3 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू प्लस 3। और यहाँ पर ये माइनस साइन दी गई है, इसका मतलब क्या है? सिग्नल हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है या फिर राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। ऑब्वियसली जो सिग्नल है उसे हमें कहाँ शिफ्ट करना होगा? हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिग्नल है इसको हम लोग शिफ्ट कैसा करें? अगर हम लोग ये सिग्नल को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है जो कि माइनस 3 पर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू 1 है, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? ये माइनस 2 पर एग्जिस्ट करेगा, माइनस 1 पर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि हमने डिस्कस किया एन माइनस 3। एन माइनस 3 को जब हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा एन इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पर ये जो प्लस 3 है और ये जो माइनस 3 है दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे तो माइनस 3 प्लस 3 हमें मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू माइनस 3 पर ये जो इम्पल्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? n इज इक्वल टू 0 पर। सिमिलरली यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये प्लस 3 दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर ये जो 4 पर जो इम्पल्स जो एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू 8 है, ये जो इम्पल्स है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? n इज इक्वल टू 7 पर।
तो हमें कुछ इस तरीके से जो इम्पल्स ट्रेन होगी वो दिखाई देंगी टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद। n इज इक्वल टू जीरो पर इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू 1, n इज इक्वल टू 1 पर इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू 2, n इज इक्वल टू 2 पर इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 3 पर इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू 4 एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू 7 पर इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है और जो वैल्यू है वो है 8 इम्पल्स की। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म किया था, हमने ये इम्पल्स ट्रेन के ऊपर परफॉर्म किया। ये टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन अगर हम लोग ये जो डिस्क्रीट सिग्नल का जो टेबुलर फॉर्म है इसके ऊपर अगर हम लोग परफॉर्म करें, तो मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन था वो हमने ये इम्पल्स ट्रेन के ऊपर किया, जिसकी वजह से जो इम्पल्स ट्रेन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गई। अगर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन अगर ये टेबल के ऊपर परफॉर्म करते, ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है इसके टेबुलर फॉर्म के ऊपर अगर हम लोग टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते तो उस केस में क्या होगा। तो मान लेते हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स ऑफ एन माइनस थ्री। माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि जो सिग्नल होगा वो कहाँ पर जाएगा, राइट हैंड साइड पर जाएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा। जो सिग्नल होगा राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो यहाँ पर ये जो सिग्नल होगा वो राइट हैंड साइड पर जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ये जो टेबल होगा वो शिफ्ट करेगा, और कितने से शिफ्ट करेगा, 3 से। तो जो एरो है 4 से 3 पर आएंगी, 3 से 2 पर आएंगी और 2 से 1 पर आ जाएंगी। तो जो एरो है 1 को पॉइंट करेंगी। तो हमें टाइम शिफ्टिंग के बाद वो जो डिस्क्रीट सिग्नल का जो टेबुलर फॉर्म हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरो है वो 1 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 1। और यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था ओरिजिन पर जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 1, और जो शिफ्टिंग जो था वो था 3 से, और यहाँ पर भी जो शिफ्टिंग हमने जो किया वो 3 से किया। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो टेबुलर फॉर्म होता है उसके ऊपर टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत सिंपल होता है, बहुत बोले तो बहुत सिंपल होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो टेबुलर फॉर्म है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो टेबुलर फॉर्म है इस पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स ऑफ एन प्लस वन। यहाँ पर ये प्लस साइन का मतलब क्या होता है, प्लस साइन का मतलब होता है जो सिग्नल है, जो प्लस साइन है इसका मतलब है कि जो सिग्नल है उसे हमें कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर या फिर राइट हैंड साइड पर, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग सिग्नल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यह है क्या सिग्नल्स की वैल्यू है, तो इसको हम लोग सिग्नल बोल सकते हैं। तो हमें एन प्लस वन दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो सिग्नल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर ये सिग्नल अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता है तो जो एरो होगी वो 4 से 5 पर आ जाएंगी। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद वो जो डिस्क्रीट सिग्नल का जो टेबुलर फॉर्म होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो एरो है वो 5 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो 0 है, ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5 है, सॉरी फॉर दैट, ओरिजिन n इज इक्वल टू 0 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 5। तो इतना सिंपल सा होता है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट सिग्नल। सिमिलरली बात कर लेते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बारे में। जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली शो करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में x इंटू अल्फ़ा एन से। यहाँ पर ये x ऑफ अल्फ़ा एन से, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्केलिंग फैक्टर। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में जो स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग शो करते हैं एक्स ऑफ अल्फ़ा टी से। मगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में जो स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली शो करते हैं एक्स ऑफ अल्फ़ा एन से। और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्केलिंग फैक्टर, ये जो अल्फ़ा है वो हमें इंडिकेट करता है स्केलिंग फैक्टर, जैसे कि हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में डिस्कस किया था। और हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में डिस्कस किया था अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो सिग्नल का कंप्रेशन होता है, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम होती है तो जो सिग्नल होता है उसका एक्सपेंशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होगी तो जो सिग्नल होगा उसका डेसिमेशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, डेसिमेशन ऑफ सिग्नल इन टाइम। सिमिलरली जो अल्फ़ा की जो वैल्यू अगर वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है तो जो सिग्नल है उसका इंटरपोलेशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ये डेसिमेशन और जो इंटरपोलेशन है आप इसको कंसिडर कर सकते हो कंप्रेशन और एक्सपेंशन। यहाँ पर ये जो डेसिमेशन है आप इसको कंसिडर कर सकते हो कंप्रेशन, और यहाँ पर ये इंटरपोलेशन है आप इसको कंसिडर कर सकते हो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने सिग्नल्स की वैल्यू कंसिडर करी है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये जो एरो है वो 4 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है, ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है 4 के बराबर में। तो n इज इक्वल टू 0 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4। n इज इक्वल टू 0 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x ऑफ 0, बहुत इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन कर लो। n इज इक्वल टू 1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5,
तो जो n इज इक्वल टू 1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x ऑफ 1। n इज इक्वल टू 2 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 6, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x ऑफ 2। n इज इक्वल टू 3 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 7, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x ऑफ 3। n इज इक्वल टू -1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो x ऑफ -1। n इज इक्वल टू -2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 2, और n इज इक्वल टू -2 को आप कंसिडर कर सकते हो x ऑफ -2, जैसे कि हमने डिस्कस किया। n इज इक्वल टू -3 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1, तो n इज इक्वल टू -3 को आप एज्यूम कर सकते हो x ऑफ -3। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसमें हमें क्या करना है, हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है x1 ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ 2n। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो n है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ 0 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर भी n की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा 2 × 0, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें n इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x ऑफ 0, x ऑफ 0 पर जो वैल्यू वो कितनी है 4 है, तो x ऑफ 0 पर जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 4। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने n की जगह पुट किया था 0, यहाँ पर भी n की जगह पुट किया था 0, अभी ये जो n है इसके जगह पुट कर देंगे 1। सिमिलरली यहाँ पर भी जो n है इसके जगह पुट कर देंगे 1, हमें मिल जाएगा x1 ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 2 × 1, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 पर हमें क्या मिलेगा x ऑफ 1, 6 पर हमें मिलेगा x ऑफ 2, तो x ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है 6, तो x ऑफ 2 की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 6। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें n के जगह हमें क्या पुट करना है, अभी n के जगह हमें पुट करना है 2, यहाँ पर हमने n के जगह 1 पुट किया था, यहाँ पर n के जगह 1 पुट किया था, और यहाँ पर भी n के जगह 1 पुट किया था, जिसके वजह से हमें क्या मिला था x ऑफ 2। सिमिलरली जो n है उसके जगह पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 × 2, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 4। तो यहाँ पर जो x ऑफ 4 की आपको जो वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेंगी 0। फिर उसके बाद आपको पुट करना है x ऑफ -1, x ऑफ -1 जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें n के जगह -1, यहाँ पर भी n के जगह -1, तो आपको मिल जाएगा x1 ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ 2 × -1, तो आपको मिल जाएगा x ऑफ -2। तो ये x ऑफ -1 है जो कि है 3, x ऑफ -1 पर 3 मिल रहा है, x ऑफ -2 पर हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो x ऑफ -2 पर हमें मिल रहा है 2। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये n के जगह हमने -1 पुट किया था, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, अभी n के जगह पुट कर देंगे -2, तो हमें क्या मिल जाएगा x ऑफ -2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 × -2, तो हमें मिल जाएगा x ऑफ -4। सिमिलरली यहाँ पर जो x ऑफ -4 है उसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ पर ये जो जीरोज़ वाली जो वैल्यू है आप इसको अगर नहीं भी कंसिडर करो तो भी चलेगा, बट ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 0। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, अभी हमें यही सिर्फ वैल्यू कंसिडर करनी है जो कि हमें मिली है। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद हमें जो सिग्नल की जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ इतनी मिल रही है, और सिमिलरली ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 4, n इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जो ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ओरिजिन पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला जो ओरिजिन पर जो वैल्यू है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद भी ओरिजिन पर सेम वैल्यू होगी। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला ओरिजिन पर जो वैल्यू है वो है 4, तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद भी जो ओरिजिन पर जो वैल्यू होगी वो होगी 4। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने 2 को लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, 6 को हमने राइट हैंड साइड कंसिडर किया, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें x ऑफ -2, यहाँ पर ये माइनस साइन है, और यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर हमें जो 2 जो दिखाई दे रहा है वो एसोसिएटेड है x ऑफ -2 के साथ, यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब जितने भी जो नेगेटिव टर्म होते हैं उसको हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें x ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, जो 6 है वो एसोसिएटेड है x ऑफ 2 के साथ, और जो x ऑफ 2 है वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज़ होती है वो होती है पॉजिटिव, तो इसलिए जो 6 है उसको हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कंसिडर किया। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद हो क्या रहा है, जो सिग्नल है वो डेसीमेट हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर सिग्नल का डेसीमेशन हो रहा है टाइम में। तो कुछ इस तरीके से टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो सिग्नल है वो हमें कंप्रेस होते हुए दिखाई दे रहा है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला जो सिग्नल था वो हमें कुछ इतना मिल रहा था, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल है वो हमें कुछ इतना मिल रहा है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल की जो वैल्यूज़ है बहुत सी वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर गई, बहुत सी वैल्यूज़ एलिमिनेट कर गई, तो इसका मतलब जो सिग्नल है वो डेसीमेटेड हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन है उसका एक सिंपल सा मेथड है, और वो मेथड के हेल्प से आप इजीली आप टाइम स्केलिंग ऑपरेशन किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का आप
परफॉर्म कर सकते हो। तो जो सिंपल सा जो मेथड है, सिंपल सी जो ट्रिक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। 1 सेकेंड के अंदर आप टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, x(n) इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया है। यहाँ पर ये सब है सिग्नल्स की वैल्यू, और जो एरो है वो 8 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 8। n इज इक्वल टू 0 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 8, n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 12, n इज इक्वल टू 2 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 14। n इज इक्वल टू 0 को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं x(0), n इज इक्वल टू 1 को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं x(1), n इज इक्वल टू 2 को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं x(2). फिर उसके बाद n इज इक्वल टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू है 6, यहाँ पर n इज इक्वल टू -1 को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं x(-1), n इज इक्वल टू -2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4, तो n इज इक्वल टू -2 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x(-2), n इज इक्वल टू -3 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 2, तो जो n इज इक्वल टू -3 उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x(-3). तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसमें हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है x(1)(n) इज इक्वल टू x(2)(n). यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर ये जो n है इसकी जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा x(0), और x(0) पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 8, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 8। n की जगह पुट कर देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा x(2), तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये x(1) और यहाँ पर x(2), तो x(2) पर जो सिग्नल की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 14। तो यहाँ पर हमने लास्ट वैल्यू कंसिडर कर लिया बस, फिर उसके बाद ये जो नेगेटिव साइड की जो वैल्यूज होगी उसे हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, n की जगह हम लोग पुट कर देंगे -1, तो हमें मिल जाएगा x(-2), x(-2) पर जो वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 4, x(-2) पर जो वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 4। सिमिलरली n की जगह हमें पुट करना है -3, तो जब हम लोग -3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6, 2 × -3 हमें मिल जाएगा 6, तो हमें -6 मिल जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर हमें n के जगह हमें क्या पुट करना है -3, तो जब n के जगह पुट करेंगे -3 तो हमें मिल जाएगा -6। तो अगर हम लोग देखें x(-6) हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू कंसिडर करना है, तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 8, और फिर उसके बाद सिग्नल की वैल्यू है 14, फिर यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हो गया वो टाइम के रेस्पेक्ट में डेसीमेट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो सिग्नल है इसका डेसीमेशन हो रहा है टाइम में। यहाँ पर ये सिग्नल का डेसीमेशन क्यों हो रहा है टाइम में, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो स्केलिंग फैक्टर है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक सिंपल सी ट्रिक अगर हम लोग देखें जिसके हेल्प से हम लोग सिंपली टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 2, 2 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो ओरिजिन पर हम लोग कंसिडर करेंगे, ओरिजिन हमारा बेस पॉइंट होता है, ओरिजिन के बाद एक वैल्यू को स्किप करेंगे, एक वैल्यू को क्यों स्किप करेंगे, 2 − 1 हमें मिलेगा 1, तो एक वैल्यू को हमने स्किप किया और हमें कंसिडर करना है 14, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 14, और जो ओरिजिन पर जो वैल्यू उसे भी हमें कंसिडर करना है। फिर ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर 6 को स्किप करेंगे और हमने एज्यूम करना है 4, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4, फिर 2 को स्किप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो यहाँ पर 0। तो इतना सिंपल सा होता है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। तो यहाँ पर ये जो 8, 14 और जो 4 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है उसका डेसीमेशन हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पर एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिग्नल कंसीडर किया है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमने कंसीडर किया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है x(n) इज इक्वल टू 7, 6, 9, 4, 2, 3, 2। यहाँ पर ये जो एरो है वो 4 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4, n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू है 9, n इज इक्वल टू -2 पर सिग्नल की वैल्यू है 6 और -3 पर सिग्नल की वैल्यू है 7। और ये जो सिग्नल है इसमें हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है x(3n). यहाँ पर ये जो 3 है उसको हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंपली अगर हम लोग ये 3 को अगर हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा 2, तो हमें 2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, 3 − 1 हमें मिलेगा 2, तो यहाँ पर ये जो 4 है इसके बाद हम लोग 2 वैल्यूज़ को स्किप करेंगे और ये 2 कंसिडर कर लेंगे। 4 के पहला हम लोग 2 वैल्यूज़ को स्किप कंसिडर कर लेंगे, 4 के पहला 2 वैल्यू को स्किप कर देंगे और 7 को कंसिडर कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4, 2 और 7। तो ऑपरेशन के बाद हमें जो सिग्नल जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा डेसीमेटेड फॉर्म में। यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 7, 4 और 2।
सिमिलरली इसको अगर हम लोग डिटेल में समझें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एन के जगह पुट करेंगे ज़ीरो, तो एन के जगह जब हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ज़ीरो, तो एक्स ऑफ ज़ीरो पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है फोर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एन है इसके जगह पुट कर देंगे वन, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ थ्री, तो एक्स ऑफ थ्री पर अगर हम लोग देखें सिग्नल की जो वैल्यू है वो है टू, तो यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है टू। यहाँ पर हमें लास्ट वैल्यू मिल गई है, फिर उसके बाद हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करना है। हम लोग पुट करेंगे एक्स ऑफ एन की जगह पुट करेंगे माइनस वन, तो जब हम लोग एन की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस थ्री। एक्स ऑफ माइनस थ्री पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है हमें मिल रही है सेवन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑपरेशन के बाद जो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने फोर कंसिडर किया और जो एरो है वो फोर को पॉइंट करेगी, क्योंकि ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है ज़ीरो। राइट हैंड साइड पर हम लोग टू कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग सेवन कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग सेवन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सेवन है वो एसोसिएटेड है एक्स ऑफ माइनस थ्री के साथ, मतलब नेगेटिव टर्म के साथ, और जो नेगेटिव टर्म होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने सेवन कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो टू है वो एसोसिएटेड है एक्स ऑफ थ्री के साथ, और जो एक्स ऑफ थ्री है वो पॉजिटिव टर्म है, और जो पॉजिटिव टर्म है वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर आता है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टू। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग एक और एक लास्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पल्स सिग्नल के बारे में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंसिडर किया है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सिग्नल्स की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है फाइव, एन इज इक्वल टू वन पर सिग्नल की वैल्यू है नाइन, एन इज इक्वल टू टू पर सिग्नल की वैल्यू है ट्वेल्व, एन इज इक्वल टू थ्री पर सिग्नल की वैल्यू है एटीन, एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल की वैल्यू है टू, एन इज इक्वल टू माइनस टू पर सिग्नल की वैल्यू है सेवन, एन इज इक्वल टू माइनस थ्री पर सिग्नल की वैल्यू है थ्री, एन इज इक्वल टू माइनस फोर पर सिग्नल की वैल्यू है फोर। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ थ्री एन। सिंपली ये जो थ्री है इसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टू। यहाँ पर हम लोग बेस कंसिडर करेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो पर जो सिग्नल है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, वो हमारा बेस पॉइंट है। फाइव को हम लोग एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद फाइव के बाद हम लोग दो वैल्यू को स्किप कर देंगे, हमें मिल जाएगा एटीन। फिर उसके बाद फाइव के बाद दो वैल्यू को स्किप कर देंगे और कंसिडर कर लेंगे थ्री को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो सिग्नल जो मिलेगा डेसीमेटेड फॉर्म में वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यूज़ है वो है थ्री, फाइव और एटीन। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो एरो है वो फाइव को पॉइंट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है फाइव। तो यहाँ पर ये हमें सिग्नल मिला टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद। वी हैव गॉट रिजल्टेंट सिग्नल इन डेसीमेटेड फॉर्म, हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिला डेसीमेटेड फॉर्म में, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो स्केलिंग फैक्टर है वो है थ्री, जो कि वन के कंपेरिजन में ज़्यादा है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो डेसीमेशन है उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कंप्रेशन। सिमिलरली हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं अभी एक और एक। यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी हम लोग डेसीमेशन का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट कंसिडर करने वाले, या फिर बोल सकते हैं जो सिग्नल होगा उसका एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल्स की वैल्यू। यहाँ पर ये जो एरो है वो फाइव को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है फाइव। फिर इसके बाद एन इज इक्वल टू वन पर सिग्नल की वैल्यू है नाइन, एन इज इक्वल टू टू पर सिग्नल की वैल्यू है ट्वेल्व, थ्री पर एटीन, एन इज इक्वल टू माइनस वन पर सिग्नल की वैल्यू है टू, माइनस टू पर सेवन, माइनस थ्री पर थ्री, माइनस फोर पर वन। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसमें हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन अपॉन टू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्केलिंग फैक्टर है वो है हाफ, और जो स्केलिंग फैक्टर है वो वन के कंपेरिजन में कम है, जो अल्फ़ा है वो वन के कंपेरिजन में कम है। तो सिंपली यहाँ पर भी अगर हम लोग ट्रिक अप्लाई करें तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है टू, टू में से हम लोग वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अगर हम लोग टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वन। तो हमें वन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सिग्नल की जो हर एक जो वैल्यू है उसके बीच में हम लोग एक एक ज़ीरो असाइन करेंगे। एक एक ज़ीरो क्यों असाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है टू इसमें से हम लोग वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आउटकम आ रहा है वन। तो वन आउटकम आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो सिग्नल की हर एक जो वैल्यू है इसके बीच में हम लोग एक एक ज़ीरो असाइन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वन ज़ीरो, थ्री ज़ीरो, सेवन ज़ीरो, टू ज़ीरो, फाइव ज़ीरो, नाइन ज़ीरो, ट्वेल्व ज़ीरो एंड एट दी लास्ट एटीन। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो फाइव होगी, एन इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एरो, और यहाँ पर ये जो एरो है वो फाइव को पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो हमें ऑपरेशन के बाद मिल रहा है।
टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, मगर यहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन नहीं कंसिडर कर सकते। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में हम लोग बोलेंगे जो सिग्नल है उसका इंटरपोलेशन हो रहा है, जो सिग्नल है उसका इंटरपोलेशन हो रहा है। वी हैव गॉट रिजल्टेंट सिग्नल इन इंटरपोलेटेड फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज स्केलिंग फैक्टर इज लेस देन वन। जो स्केलिंग फैक्टर है वो वन के कंपैरिजन में कम है, जिसके वजह से जो सिग्नल हो रहा है वो हमें इंटरपोलेटेड फॉर्म में मिल रहा है। मतलब जो सिग्नल जो मिल रहा है वो हमें इंटरपोलेटेड फॉर्म में मिल रहा है। इंटरपोलेशन को आप कंसिडर कर सकते हो एक्सपेंशन। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने सिग्नल्स की वैल्यू कंसिडर करी है 1, 3, 5, 7 और 6। ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 7, एन इज इक्वल टू 1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 6, -1 पर सिग्नल की वैल्यू है 5, -2 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, फिर उसके बाद -3 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन अपॉन 3। यहाँ पर ये जो अल्फा है वो है 1/3, जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 1/3। तो जो अल्फा है वो 1 के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब जो सिग्नल होगा इसका इंटरपोलेशन होगा। सिंपली 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमें मिल जाएगा 2, इसका मतलब जो सिग्नल की जो हर एक वैल्यूज़ है उसके बीच में हम लोग दो दो जीरोज असाइन कर देंगे, हमें मिल जाएगा एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन अपॉन 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये 1, 0, 0, 3, 0, 0, 5, 0, 0, 7, 0, 0, और यहाँ पर ये 6। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वह है 7। सिमिलरली ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वह है 7, एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था डेसिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो आउटकम होता है उसके हिसाब से ओरिजिन के बाद हम लोग जो वैल्यूज़ होती है उसको हम लोग स्किप करते जाते हैं, और ओरिजिन से पहला जो वैल्यूज़ होती है उसको हम लोग स्किप करते जाते हैं। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय 1, जो अल्फ़ा की जो वैल्यू उसको हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड स्किप द वैल्यूज़ ऑफ सिग्नल बाय आउटकम, और हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसके हिसाब से जो सिग्नल की जो वैल्यूज़ होगी ओरिजिन के पहले और ओरिजिन के बाद उसको हम लोग स्किप करते जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें विच इज़ ऑप्टेन, यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, विच इज़ ऑप्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग अल्फ़ा बाय 1। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आउटकम की। सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय 1 एंड स्किप द वैल्यूज़ ऑफ सिग्नल बाय आउटकम विच इज़ ऑप्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग अल्फ़ा विद 1, जो कि हमें मिला है अल्फ़ा को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद। जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू है 3, 3 को हमने 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया हमें मिला 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें 2 मिला, तो हमें 2 मिला ओरिजिन के बाद हम लोग दो वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, तीसरी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ओरिजिन से पहला दो वैल्यू को स्किप करेंगे, तीसरी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सिमिलरली इंटरपोलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया डेसिमेशन के बारे में। इंटरपोलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय 1, जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो आउटकम जो निकल के आता है उसके हिसाब से हम लोग जो वैल्यूज़ होती है जो सिग्नल की जो ओरिजिनल जो वैल्यूज़ होती है उसके बीच में हम लोग जीरोस को असाइन करते हैं। फॉर इंटरपोलेशन सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय 1 एंड असाइन जीरोस एज पर द आउटकम ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अल्फ़ा बाय 1। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो अल्फ़ा है उसको हमने 1 के साथ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्फ़ा है 1/3, 3 को हमने 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया हमें मिला 2। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल की जो वैल्यूज़ है उसके बीच में हम लोग दो दो जीरोज़ असाइन करते गए थे, और हमें जो सिग्नल जो मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था इंटरपोलेटेड फॉर्म में। तो इंटरपोलेशन के लिए जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी उसको 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आउटकम जो निकल के आएगा उसके हिसाब से सिग्नल की हर एक वैल्यूज़ के बीच में हम लोग जीरोज़ असाइन करते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसीडर किया है, यहाँ पर जो इंटरपोलेशन और जो डेसिमेशन है वो हमें साथ में परफॉर्म करना है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सिग्नल, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट सिग्नल कंसीडर किया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 3, 5, 7, 6, 4। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2/3 अपॉन n, आई मीन 2/3 इंटू n। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमें डेसिमेशन भी करना है और इंटरपोलेशन भी करना है। तो ये टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हमें ऐसा दिया हुआ है कि सिस्टम पर सिग्नल पर हमें डेसिमेशन भी करना है और इंटरपोलेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स ऑफ 2n, तो हमने कंसिडर किया एक्स वन ऑफ 2n। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डेसिमेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन है इसके बाद हम लोग एक वैल्यू को स्किप करेंगे और 6 को कंसिडर कर लेंगे, 4 को स्किप करें तो 0 मिल जाएगा, फिर उसके बाद ओरिजिन से पहला यहाँ पर 3 को स्किप करें तो हमें मिल जाएगा 0। तो हमें आउटकम में हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0, 5, 6, 0। अगर हम लोग 0 को नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 5 और 6।
और यहाँ पर ये जो एरो है वो 5 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सिग्नल का डेसिमेशन कंसिडर किया, अभी हमें सिग्नल का इंटरपोलेशन कंसिडर करना है। इंटरपोलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 3 है डिनोमिनेटर में, जो 3 है इंटरपोलेशन के लिए जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 को हम लोग 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू जो मिली है ये वैल्यू के बीच में हम लोग 2 0 असाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x1 2/3 और यहाँ पर ये n इज इक्वल टू और यहाँ पर ये 5 0 0 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 6। और यहाँ पर ये जो एरो है वो 5 को पॉइंट करेंगी। 5 को क्यों पॉइंट करेंगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल के बहुत सिंपल से ऑपरेशन है। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में हम लोग क्या किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के केस में क्या होता है, जो सिग्नल की जो हमने डिस्कस किया था टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में, जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड में चले जाती है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू है 4, 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, एन इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, एन इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 7, एन इज इक्वल टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू है 5, एन इज इक्वल टू -2 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3, एन इज इक्वल टू -2 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्स ऑफ माइनस एन, जिसके वजह से होगा क्या, जो ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी और ओरिजिन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में चले जाएंगी। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन के बाद हमें जो सिग्नल जो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में आ गई ओरिजिन के तो हमें मिल जाएगा 7 1 2, और जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो सिग्नल की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में आ जाएंगी तो यहाँ पर हमें मिल गया 3 और यहाँ पर ये 5। और सिमिलरली जो ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 4।